वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं कहीं, देखते हैं। अगर टाइम पे पहुंच गया तो वो इवेंट कवर करेंगे, लेट जाएगा तो कुछ और करेंगे। देखिए, आप गाड़ी वॉश नहीं करते हो तो बच्चे क्या करते हैं फिर गाड़ी के साथ। पर क्या लिखा है मुझको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई हम लोग चले हैं यहाँ चौक, थोड़ा सा हमने सोचा थोड़ा सा चौक को एक्सप्लोर किया जाए। इस वक्त हैं हम और दीपक भाई चौक में। ब्यूटी ऑफ ओल्ड लखनऊ। वहाँ चलते हैं ना, उधर उधर ही। हाँ हाँ वहाँ भी चलेंगे, वो तो आगे वो है पिक्चर गैलरी है। चलते चलते हैं पहले, छोटा तालाब वो है तो सामने, वो तालाब ही है। हाँ चलते चलते हम पहुंच गए ईरानी दमटी। तो ये है कश्मीरी चाय, पिंक गुलाबी टी, जो आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने लखनऊ में चौक में ही मिलेगी। लो भाई लो, एक दीजिएगा एक। कैसे है? तो दीपक भाई कश्मीरी चाय पी के आपको कैसा लगा? गुलाबी चाय जिसको हम कहते हैं, इसमें अगर पैन डल जाता, वो पैन जैसा ही लगता ना, जीरा जैसे, तो वो लगता नॉर्मल चाय जैसी लगती। ऐसे मतलब जैसे लग रहा है इलायची डाल दी, इलायची और मसाले। तो इलायची तो वैसे भी पड़ती चाय में, वैसे भी और मसाले और टाइप के, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। मतलब ये कहना चाहते हो तुम? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुझे शौकीन। दिखाओ। चलो, तुमने हमें आज हमने तुमको फाइनली पिला दी है। यहाँ पे एक चीज मिलती है खिचड़ा, वो पूरे जगह नहीं मिलता लखनऊ में, ये जगह नहीं मिलता। हाँ। लखनऊ का मशहूर खिचड़ा है भाई ये, तो मैं तो नहीं खाता हूँ, अगर तुम्हें खाना हो तो भाई हम तुम्हें खिला देंगे। 25 रुपए का हाफ है। ट्राई करते तभी हम खाते हैं, ऐसे नहीं हम खाते नहीं ना, चक्कर ही है वरना हम खिला देते। वहाँ कहो तो ईरानी फास्ट फूड जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेते हैं यह अवध की कश्मीरी चाय शायद। कैसी खिचड़ा वो होता है, दाल क्या होती है सारी दाल। चलो भाई, तो फिर ईरानी दम की भी पी के देखते हैं कि आखिर ये भी कैसी है। तो ये हम जा रहे हैं भैया खिचड़ा ट्राई करने के लिए। खिचड़ा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में मिलेगा, और इस पुराने लखनऊ में ही मिलेगा। कैसी बोलो अगर? हलीम, हलीम। अच्छा, चाहे हलीम बोलो चाहे खिचड़ा बोलो, है। चलो जी भाई, ये भी तुम टेस्ट करके बताओ। तो फिलहाल ईरानी चाय से पहले दीपक भाई ने कहा कि खिचड़ा ट्राई करते हैं, इसको हम हलीम भी बोलते हैं। कैसा है? भाई मैंने फर्स्ट टाइम खाया। अच्छा है, बहुत
ज्यादा जबरदस्त है। दाल कटे ज्यादा है, हाँ दाल क्यों लगेगा तुम्हें, दाल ही लगे पर गरम है ना, इसे तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा होगा। ये है ईरानी दम पी, ये तो कूलर वाला निकाल दो हां भाई, आते ही निकाल लेंगे। गुड वाह, तो ये कर दिया भाई, ताबा गरम हो गया ना। हां मलाई पकड़ नहीं भी है कोई, और ये कौन है तू है? हां भाई वो खा लेना भाई, मेरी भी तो क्या मलाई तीन में डाल दिए, मलाई दो में नहीं डाल दिया। कूलर दे दे, कूलर दे दे, दो बोला तो मैंने भाई, क्या भीड़ बहुत है, टाइम लग रहा है भाई। एक कुल्लड़ में है पर एक कुल्लड़, हाँ एक एक वो मत डालना भाई मलाई, हाँ मलाई मत डालना, मलाई हमने नहीं डलवाई क्योंकि हमें मलाई उतना कुछ पसंद नहीं है। ये आ गई हमारे लिए ईरानी दम टी, तो भैया फिलहाल ईरानी दम टी आ गई है, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। नॉर्मल चाय लगी, नॉर्मल चाय है मगर पर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये हमारी ईरानी दम टी की शॉप जस्ट नेक्स्ट टू कश्मीरी चाय। तो फिलहाल ईरानी दम टी पी के हम बढ़ गए आगे, देखते हैं और भी सारी चीज़ें। छोटा इमाम बाड़ा, ये छोटा इमाम बाड़ा है, ये है छोटा इमाम बाड़ा। इसके अंदर भी एक शॉप है जहाँ पर चिकन का वर्क होता है, चिकन कपड़े सूट वगैरह अवेलेबल हैं, वहीं अंदर ही बनते भी हैं यहीं पर ही। कर्नल की लेमन टी, कर्नल साहब लेमन टी बना रहे हैं। मतलब आप रूमी गेट को क्रॉस करिए, फिर और आगे आइए, घंटा घर क्रॉस करिए, उसके भी और आगे आइए, फिर जो गेट पड़ेगा उसको क्रॉस करिए और आगे आइए, लेफ्ट हैंड साइड पर आप जैसे ही आओगे हेरिटेज साइट भी है पूरी, पर आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, खाने पीने का, कपड़ों का, बहुत सारी वैरायटी है। तो चलते चलते आ गए हम लोग चिकन बिरयानी, हाँ एक हाफ हाजी अशफाक नॉन वेज पॉइंट, एक 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 क्योंकि हमने कहा कि कभी हमने चौक में बिरयानी नहीं ट्राई करी, हमने कहा आज यहाँ आए तो यहाँ की बिरयानी भी ट्राई करके देखें कैसी बनती है। चम्मच एक और देखो, थैंक यू भाई, कैसी है? ये रहा आपका मेन पुराना लखनऊ, लस्सी वस्सी पीना हो, नॉनवेज खाना हो, मटन खाना हो खास करके स्पेशली, और अगर किसी को बीफ पसंद हो तो बीफ पसंद हो तो बीफ भी यहाँ पे खा सकता है। हमने भाई क्या चिकन बिरयानी ट्राई करी थी क्योंकि हम तो खाते नहीं बीफ, और ये था कि टेस्ट अच्छा था। 60 रुपीज़ में मुझे यहाँ पे चिकन बिरयानी मिली है, अपने एरिया में नहीं मिलती है। चलो भाई व्यू देखे चांद का और इस बिल्डिंग का, अमेजिंग। तो फिलहाल हम आए आज पुराने लखनऊ और कुछ डिशेस यूनिक सी ट्राई करी, जैसे कि ईरानी दम टी हमने कभी पहले ट्राई नहीं किया था, और लखनऊ में पहली बार मिल रही है वहाँ पर, और उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद निकले हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कश्मीरी चाय, क्योंकि दीपक बहुत दिन से कह रहा था भाई कश्मीरी चाय पिलाओ पिलाओ, आज हम लोग इधर आए थे, हमने कहा कश्मीरी टी भी ट्राई करते हैं, इसको हम लोग पिंक टी भी बोलते हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड लखनऊ में ही मिलेगी चौक में।
आइए आपको दिखाते हैं लखनऊ की ब्यूटी, खास करके अपने ओल्ड लखनऊ की ब्यूटी। एक छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, गेट से आप निकलिए और सामने तो आपको व्यू मिलता है बहुत अच्छा सा। तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार किया, लाइट्स ऑफ हैं ना, लाइट्स अगर ऑन होते तो आपको और भी कुछ दिखाता है। जैसे कि सामने ही तभी घंटा घर है, तो घंटा घर की लाइट्स ऑफ हैं। यहाँ नीचे बावली है, उसकी भी लाइट्स ऑफ है, लेजर लाइट शो चलता था वो भी बंद है। यहाँ संपत्ति हुसैनाबाद ट्रस्ट की है। थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी जगह पे गंदगी कर रखी है, इसको और थोड़ा सा साफ करें तो और अच्छा लगेगा। भैया ये है चौक की मशहूर मक्खन मलाई, और चौक आए हैं भाई मक्खन मलाई ना खाए। एक ही निकालेगा अंकल जी, बस एक बस एक जगह। भैया लड़का हमारा बुरा मान जाता अगर हम इसको एक खिलाए बिना, एक तो घर ले आते तो क्या। तो लेट हो रहा है पर मक्खन मलाई जरूर खाऊंगा। अच्छा चलो चलो, ये देखिए लखनऊ में अगर आप चौक आ रहे हो और ये यहाँ की सबसे मेन स्वीट डिश है, अगर आपने ये नहीं खाया ना तो आपने लखनऊ एक्सप्लोर नहीं किया सही से, ना चौक एक्सप्लोर किया सही से। और सिर्फ इस विंटर टाइम में ही मिलती है और यहीं पर ही मिलेगी। कहाँ पर? मेन चौक के चौराहे पे। परंपरा के सामने, राजेलाल के सामने आप कह सकते हो, जस्ट सामने है ठीक है, बहुत सारी शॉप्स हैं। 60 रुपीज़ की 100 ग्राम। ये हम आ गए लस्सी, लस्सी क्योंकि भैया लौंडे ने हमारे बोल दिया था छोला भटूरा भी खा के जाएंगे हैं। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे भाई चलता हूँ।
लग रहे हैं हमारे भैया गर्मा गर्म छोले भटूरे, लेकिन रात के टाइम अगर छोले भटूरे को खाने हो तो आइए सी लस्सी और सी लस्सी कॉर्नर, क्योंकि ये भी चौक में ही है। और छोले भटूरे, गाजर का हलवा और लस्सी इनकी बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि गर्मा गर्म भटूरे निकलने वाले हैं। गर्मा गर्म भटूरे निकल रहे हैं अभी, तो हम जायका आपको बताते हैं कैसा है। वहाँ बैठते हैं, वहाँ पीछे बस हमारे प्रशांत भाई के लिए बैग पड़ जाएंगे। दो लोग भटूरा दवा से देखिए भैया गर्मा गर्म भटूरे ऐसे होते हैं, भटूरे इनको कहा जाता है भटूरा प्रॉपर। अरे एक चम्मच और लो, खड़े खाओगे बैठ के खाएं। भैया ये हमारे आ गए भैया भटूरे। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरा तो हेलमेट निकालने का भी मन नहीं कर रहा है, पर भटूरे का टेस्ट हम पूरा लेंगे। ये रहा हमारा बाइट, वाह मज़ा आ गया। कुछ भाई मतलब सच में छोले भटूरे के जो छोले हैं, पनीर भी पड़े हैं इसमें, दिखाता हूँ आपको। ये जो छोले हैं, छोले में देखिए पनीर भी पड़ा हुआ है, पर छोले का जो स्पाइसेस उसमें बनाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग स्पाइसेस है। मतलब टेस्ट को जो उन्होंने डबल कर दिया है, और भटूरे भी एकदम गर्मा गर्म है। तो श्री लस्सी कॉर्नर के भटूरों को तो मैं दूंगा 10 out of 10। श्री लस्सी कॉर्नर चौक हाँ, तो भाई फ़िलहाल लौट के आ गए हैं घर। आज हमने पूरे चौक को एक्सप्लोर किया अच्छे से, मतलब और भी शॉप्स हैं, पर जो हमको मेन मतलब जो हमने ट्राई नहीं किया था, आज हमने वो सब चीज़ें ट्राई करी जो हमने कभी ट्राई नहीं करी थी, जैसे कि कश्मीरी चाय, ईरानी चाय, मक्खन मलाई तो ट्राई करते रहते हैं, पर इस विंटर की पहली मक्खन मलाई थी चौक की, वहीं की ही फेमस है, तो हम लोग इसलिए चौक में ही गए, वहीं चौक में एक्सप्लोर किया, मज़ा आ गया। मतलब कश्मीरी चाय डिफरेंट, ईरानी चाय डिफरेंट, और मक्खन मलाई चौक का वो तो डिफरेंट है ही, साथ में जो श्रीनाथ कॉर्नर का लस्सी और छोला भटूरा। लस्सी उनकी A1 क्वालिटी की है, फिलहाल ठंडी थी, और दीपक का वैसे गला ख़राब था, मैं तो लस्सी पीता नहीं हूँ, वरना वो पीता, इसलिए मैं नहीं पी फिलहाल। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, जल्द मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।